तो सर करते हैं क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9। सो आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 9.2। तो सबसे पहला एक वर्ड है हमारे पास प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन मतलब सीरीज होती है जिसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, मींस स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ द सीक्वेंसेस, मींस स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ सीक्वेंसेस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन हमारे यहां पर काफी टाइप की होती है, जैसे एपी है जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी। एक है नंबर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले देखिए स्पेसिफिक पैटर्न का मतलब क्या है। सपोज करो ये मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, ये 2 है, ये 4, 6, 8। तो जिस पैटर्न की आप नेक्स्ट टर्म बता सको वो स्पेसिफिक पैटर्न हुआ। अगर मैं आपसे कहूं कि 8 के बाद क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, तो 10 आएगा, 12 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये होता है हमारे पास स्पेसिफिक पैटर्न। तो स्पेसिफिक पैटर्न में जो सीक्वेंसेस लिखी होती है उसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। हमारे यहाँ पर दो प्रोग्रेशन है, एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहली प्रोग्रेशन हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे हम बोलते हैं, अ सीक्वेंस A1, A2, A3 एंड सो ऑन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट में एपी से भी नोट करते हैं। अ सीक्वेंस A1, A2, A3 एंड सो ऑन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ, यहां पर आप ध्यान से देखना, A1 तो हमारे पास है फर्स्ट टर्म, बाकी दो टर्म है हमारे पास, मीन्स जैसे an इक्वल टू an-1 प्लस d वेयर n इज ग्रेटर देन 1। अब आप यहां पर देखिए जो सीक्वेंस हमारी इस फॉर्म में लिखी होती है, देखिए a1 तो फर्स्ट टर्म हो गया और बाकी जो टर्म है वो किसी कॉन्स्टेंट नंबर को प्लस या फिर माइनस करने से जो नेक्स्ट टर्म हमें मिलेगी उसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मान लीजिए n ग्रेटर देन 1 है, तो अगर मैं 2 इसके अंदर पुट करता हूं, अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं तो ये आएगा हमारा a1 प्लस d। अगर हम इसमें 3 पुट करते हैं तो ये आएगा a2 प्लस d। ऐसे a4 इक्वल टू a3 प्लस d, a5 इक्वल टू a4 प्लस d। अब ये d कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इट मींस अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट नंबर को हम प्लस या माइनस करके जो सीरीज बनाते हैं हर टर्म के अंदर, वो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देता है। जहां पर a1 तो हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म और d जो होता है हमारे पास वो होता है कॉमन डिफरेंस। तो ये जो हम कॉन्स्टेंट टर्म ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही स्टैंडर्ड जो हमारे पास एपी होती है, जो स्टैंडर्ड एपी है हम उसे बोलते हैं ए, ये फर्स्ट टर्म हुई, फिर ऐसे ही ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म में होता ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। देखिए यहां पर क्या है कि हम d को प्लस करते चले जाएंगे, हर टर्म में आप d प्लस कर दीजिए, फिर d प्लस कर दीजिए, फिर d प्लस कर दीजिए। इस टाइप से जो हमारी सीक्वेंस बनेगी ये स्टैंडर्ड हमारे पास एपी हो गई है। अब यहां पर अगर मान लीजिए किसी भी सीरीज की हमें कोई सी भी टर्म रैंडमली निकालनी है, मान लीजिए कोई सीरीज हमने लिख दी, जैसे ये है
और मैं इसमें कहूंगी 100 नंबर पर कौन सी टर्म आएगी, तो आप इसको 100 टाइम तो लिखोगे नहीं, कि 100 तक हम लिखेंगे और तब हम बताएंगे कि इसकी 100 टर्म ये है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है nth टर्म का, यानी जो nth टर्म होती है, nth टर्म, ये आपने 10th में भी सबका पढ़ा हुआ होता है, इसीलिए इस पर थोड़ा सा हम डायरेक्ट फॉर्मूला को लिख देते हैं, इनको याद करिए और फिर इनके इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो nth टर्म मीन्स an, ये होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसे हम एल भी कहते हैं, मतलब लास्ट, एल मीन्स लास्ट टर्म, या इसे हम एल भी बोलते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर एल इज लास्ट टर्म, और यहां पर an होता है हमारे पास nth टर्म। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, यहां पर हम लिखते हैं इसका सम का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap, ap की n टर्म का सम, मतलब sn, ये होगा n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसका एक तरीका और भी होता है लिखने का, n बाई टू a प्लस एल, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप यहां पर यूज कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, इसमें हम कुछ नोट है इसके अंदर, इफ अ कॉन्स्टेंट is added to each term of an AP, then तो resulting sequence हमारे पास आएगी, then resulting sequence is also an AP, मतलब अगर मान लीजिए कोई हमारे पास AP है, सपोज करो 2, 4, 6, 8, 10, अगर मैं इसमें कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर ऐड करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं इसमें 3 ऐड करता हूं, तो ये 5 आएगा, 3 ऐड करने पर ये 7 आएगा, ये 9 आएगा, ये 11 आएगा और ये 13 आएगा। तो अब जो आपने एक कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट नंबर आपने 3 ऐड किया, और ऐड करने के बाद जो सीक्वेंस आई है वो भी हमारे पास एक एपी ही है। यहां पर देखिए तीन तीन दो दो का डिफरेंस है, 7 - 5, 9 - 7, 11 - 9, तो कॉमन डिफरेंस होता है डी, वो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या किसी भी टर्म में से उसके जस्ट प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिए, तो जो भी वैल्यू आएगी उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस मीन्स ये डी हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना हो तो किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस वाली टर्म को माइनस करके आप निकाल सकते हो। अगर आप यहां पर देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, इनका भी डिफरेंस 2 है, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म को हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम आया। ऐसे ही यहां पर भी अगर आप देखोगे तो कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। ऐसे सेकंड नंबर का है हमारे पास, इफ अ कॉन्स्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी, देन तो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। अगर आप सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी वो भी हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी ही बनेगी, सेम इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इफ अ कॉन्स्टेंट
इज मल्टीप्लाई टू ईच टर्म ऑफ एल ए पी देन resulting sequence is also n ap. ऐसी हमारे पास है divide. If a constant is divided to each term of an AP, then the resulting sequence is also an AP. तो ये नोट है, आगे काम आएंगे. इट मीन्स अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप किसी नंबर से को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो सीक्वेंस मिलेगी हमें वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी ही रहेगी. सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए. कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड टर्म है जो क्वेश्चंस में यूज होती है. जैसे जैसे थ्री टर्म्स आपको कहीं एज्यूम करनी है एपी की, थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी. जब भी आपको थ्री टर्म्स को एज्यूम करना हो, इनकी भी कुछ कंडीशंस होती है कहां पर ये अप्लाई होगा. तो जब हम क्वेश्चन इनसे रिपीट करेंगे तो मैं वहां पर भी एक्सप्लेन करूंगा. फिलहाल मैं लिख रहा हूं जिससे कि सभी नोट आपके एक साथ इकट्ठे हो जाए. थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी माननी है तो ए माइनस डी ए और ए प्लस बी ही माना करो. हालांकि कुछ कंडीशंस होती है कहां पर ये माननी है, कहां पर ये नहीं माननी है. फिलहाल मैं आपको लिख रहा हूं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं वहां पर भी एक्सप्लेन करूंगा कि वहां पर हमने इन्हें क्यों माना है. ठीक, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है और कोई पर्पज नहीं है. अगर मान लीजिए फोर टर्म्स लेनी है आपको, फोर टर्म्स ऑफ एन एपी, तो ये आएगी आपकी ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी. नंबर थ्री, फाइव टर्म्स ऑफ एन एपी अगर आपको एज्यूम करनी है तो आप लेंगे ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी. आप ये तीन टर्म्स जो ये तीन मैंने आपको नोट देगा, सिक्स टर्म भी आप एज्यूम कर सकते हैं पर मैक्सिमम हमारे यहाँ पर फोर तक ही होती है. फिर एक होती है स्टैंडर्ड एपी. अगर स्टैंडर्ड एपी आपको लेनी है तो ए, ए प्लस बी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन. तो थ्री टर्म्स ये भी ले सकते हो, थ्री टर्म्स ये भी ले सकते हो, फोर टर्म्स ये भी ले सकते हो, फोर टर्म्स ये भी ले सकते हो, फाइव टर्म्स ये भी ले सकते हो, फाइव टर्म्स ये भी ले सकते हो. कौन सी कहां लेनी है वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करूंगा. सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए. अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2. नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक मीन. ये क्या होता है अब इसे देखिएगा. अरिथमेटिक मीन, वेन थ्री क्वांटिटीज आर इन एपी. मान लीजिए हमारे पास तीन नंबर है, कोई भी तीन क्वांटिटीज है जो एपी में है, देन द मिडिल क्वांटिटी इज सेट टू बी अरिथमेटिक मीन. जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, ये 2, 4, 6 तीनों नंबर एपी में है, दो दो का डिफरेंस है, आर इन एपी,
तो बीच वाली टर्म है इसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक मीन, मीन्स एम। द मिडिल क्वांटिटी इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन, इसे एवरेज भी बोलते हैं। जैसे 4 है ये, तो ये आएगा 2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, 8/2 इक्वल टू 4। तो जैसे ए, फिर कैपिटल ए मैंने लिखा, कैपिटल ए मीन्स अरिथमेटिक मीन, इसको शॉर्ट में ए एम से भी नोट करते हैं। बी आर इन ए पी, तो बीच वाला नंबर है हमारे पास ए, ये आएगा ए प्लस बी बाई 2। तो जब भी आपको अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो फर्स्ट नंबर को और थर्ड नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, मीन्स 1 से लेकर के और 2001 तक के जितने भी ऑड नंबर्स हैं हमें उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले हम ऑड नंबर देखते हैं, पहला ऑड नंबर 1 आएगा, उसके बाद आएगा 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 और लास्ट में जो आएगा वो आएगा हमारे पास 2001। क्योंकि हमें सम निकालना है SN, SN के दो फॉर्मूले होते हैं n/2 2a + n-1 × d और एक SN का फॉर्मूला होता है n/2 a + l। तो यहां पर हमें a है, a होता है फर्स्ट टर्म, तो जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो 1 है। कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें d, तो वो आता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स 3 - 1 = 2। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आ गया। अब ये दोनों ही फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए मुझे a चाहिए, l चाहिए, n चाहिए, तो l भी है हमारे पास। लास्ट टर्म है l हमारे पास ये 2001, ये लास्ट टर्म है हमारे पास। अब n हमें चाहिए, बिना n के तो हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। जब कभी भी आपको n निकालना हो, जब कभी भी आपको n निकालना हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल है हमारे पास 2001, a हमारे पास 1 है, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आया था, तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू ये आएगा 2000, n माइनस 1 इक्वल टू 1000, n इक्वल टू 1001। अभी हमारे पास सब चीजें हैं, अब आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली जब हमारे पास लास्ट टर्म होती है तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो हमें सम निकालना है, सम ऑफ ओड इंटीजर्स हमारे पास है, a है हमारे पास 1, l है हमारे पास 2001। कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 1001 प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक दो तीन चार पांच छह जीरो जीरो वन। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000
विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि 100 और 1000 के बीच में से जो 5 के मल्टीपल्स हैं उनका सम निकाला। देखिए बिटवीन जब भी आपका लिखा हुआ आएगा तो ये दो नंबर्स आप काउंट नहीं करेंगे। अगर लाता है लाइन फ्रॉम 100 एंड 1000 तो 100 और 1000 भी आप काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज बिटवीन में काउंट नहीं होंगे क्योंकि 5 का मल्टीपल तो 100 भी है और 1000 भी है, लेकिन इन दोनों को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ बिटवीन निकालना है। तो 5 से मल्टीपल फर्स्ट जो टर्म आएगी, फर्स्ट नंबर आएगा 105, उसके बाद आएगा 110, इसके बाद आएगा 115 और लास्ट में आपका आएगा 995। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो ये 5 आएगा और ये सभी में सेम है, सिंस कॉमन डिफरेंस, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सभी टर्म्स में सेम है तो जो सीक्वेंस बनी हमारे पास वो AB बनी। देयरफोर सीक्वेंस इज एन AP, ये हमारी जो सीक्वेंस है ये AP है। हमें निकालना है सम, सम में फिर जो हमने अभी फॉर्मूला यूज किया था, फर्स्ट टर्म भी है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस भी है, L है हमारे पास ये। तो सबसे पहले हम L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये आपका आएगा 990, एट नाइन जीरो एन माइनस वन इक्वल टू 890 अपॉन 5। एन इक्वल टू आएगा हमारे पास 179। तो हमें सम निकालना है तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल 179 बाई टू, ए हमारे पास है 105 और एल हमारे पास है 995। ये आपका आएगा 985450, ये आप खुद कर सकते हैं मल्टीप्लाई, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, ए इक्वल टू 2, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, देन शो दैट द 20th टर्म इज दिस। तो लेट कॉमन डिफरेंस इज, लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, हमने मान लिया डी। अब जो क्वेश्चन में हमें दिया है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 terms, the sum of first 5 terms is equal to 1/4 sum of next 5 terms, 1/4 the sum of next 5 terms, 1/4 of the sum of next 5 terms, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए sum of the first 5 terms और next 5 terms का मतलब क्या है, देखिए
एक तरीका तो ये होता है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10। इन सब का जो सम है इसे नाम दे दिया हमने S5। तो S5 इक्वल टू 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, मतलब ये है हमारे पास नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो जब भी आपको नेक्स्ट 5 टर्म्स या नेक्स्ट 6 टर्म्स या नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये टोटल है 10 टर्म, तो ये तो हुआ S10। तो S10 में से अगर मैं S5 माइनस कर दूं तो मेरे पास सम आ जाएगा नेक्स्ट 5 टर्म्स का, मतलब ये आएगा X10 माइनस S5। अब इसको सोल्व करते हैं, हम यहां से हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो S5 इक्वल टू 1/5 S10 माइनस 1/5 S5, 1/4 को अंदर देंगे या आप इस 4 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 4S5 इक्वल टू S10 माइनस S5, इधर आके प्लस हो जाएगा तो 5S5 इक्वल टू S10। S5 की वैल्यू होती है, Sn का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे 2a प्लस 4d और 10/2 2a प्लस 9d 10-1 9, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 25 2, a की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो ये आएगा तुम्हारा 25 आएगा तो 100 प्लस 100d 40 प्लस 90d, ये इधर आकर माइनस में होगा तुम्हारा बचेगा ये 10d और ये बचेगा माइनस 60, तो d हमारे पास आ गया माइनस 6। सो d की वैल्यू हमारे पास माइनस 6 आ गई है, तो अब हमें निकालना क्या है, स्टूडेंट का 20th टर्म, तो हमें 20th टर्म निकालनी है। तो an का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू बी, यहाँ पर a हमारे पास 2 है, n 20 है तो ये 19 आ जाएगा, 20-1 19 इंटू डी माइनस 6, ये आपके पास आएगा 1 1 4, माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका -1 1 2 इज द आंसर। सब वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी हमें दी हुई है, इसकी कितनी टर्म्स होंगी आर नीडेड टू गिवन द सम इज -25। जो हमें एपी दी हुई है, एपी हमारे पास है -6 11/2 -5 एंड सो ऑन, हमें ये बताना है कि इसकी कितनी टर्म का सम -25 है, कितनी टर्म्स का सम। Let the sum of n terms is -25, तो ये हमारे पास Sn आ गया, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास ये क्या आएगा 6 12, d आ गया हमारे पास 1/2। अभी Sn का फॉर्मूला हमारे पास है n/2 2a + n-1 d, n/2 2a फर्स्ट टर्म हमारे पास है -6 और d है हमारे पास 1/2।
आएगा माइनस हंड्रेड, ये टू टू जो फोर माइनस ट्वेंटी फोर, ये आएगा आपका माइनस ट्वेंटी फाइव, माइनस ट्वेंटी फोर माइनस वन माइनस ट्वेंटी फाइव एन प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव एन प्लस हंड्रेड इक्वल टू जीरो, स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म इसकी, ट्वेंटी एन माइनस फाइव एन प्लस हंड्रेड इक्वल टू जीरो, एन कॉमन ले लिया, एन माइनस ट्वेंटी माइनस फाइव कॉमन ले लिया, एन माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमारे पास एन की वैल्यू आई फाइव और एन की वैल्यू हमारे पास आएगी यहां से ट्वेंटी। तो अभी यहां पर एन की दो वैल्यू आई है फाइव एंड ट्वेंटी, तो इसका आंसर हमारे पास आया देयरफोर सम ऑफ फाइव टर्म्स एंड ट्वेंटी टर्म्स इज माइनस ट्वेंटी फाइव। तो इट मीन्स इस सीक्वेंस से अगर पांच टर्म को ऐड करोगे तब भी आपका आंसर माइनस ट्वेंटी फाइव आएगा, और इसकी ट्वेंटी टर्म्स को ऐड करोगे तब भी आंसर माइनस ट्वेंटी फाइव ही आएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो डबल आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे इसमें ट्वेंटी टर्म्स है तो एक दो तीन चार पांच, इनका सम कितना है माइनस ट्वेंटी फाइव, और इसके आगे जो पंद्रह टर्म्स है उनको मिलाकर के भी सम माइनस ट्वेंटी फाइव आया। इट मीन्स जो ये हमारी टर्म्स हैं सिक्स से लेकर के और ट्वेंटी तक की, वो टर्म कुछ इस टाइप से है कि कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव और उनका सम जीरो आ रहा है। मतलब पांच टर्म का सम आया माइनस ट्वेंटी फाइव, फिर उसके आगे की पंद्रह टर्म्स को और प्लस कर दिया तब भी माइनस ट्वेंटी फाइव। इसका मतलब ये हुआ जो नेक्स्ट फिफ्टीन टर्म्स हैं वो कुछ इस टाइप की है कि उन्हें प्लस करने पर वो सारी कट के जीरो आंसर आ रहा है। तो इसीलिए डबल आंसर इसके अंदर पॉसिबल है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए।